हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर है, सीयूसेट का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो पहले हम ये देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर का पैटर्न होता है, वो होता है हमारे पास, उसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 100, चाहे वो हम पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, टोटल क्वेश्चन जो मिलेंगे हमारे पास वो मिलेंगे 100। अब फ्रेंड्स, जो पेपर होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए में जो होता है पीएचडी के लिए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो पीएचडी के लिए पार्ट ए में होते हैं हमारे पास 50 क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, इंग्लिश होती है, जीके होता है एवं जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक की जाती है हमारे पास। और पार्ट बी में होता है हमारे जिस सब्जेक्ट से हम पेपर दे रहे हैं, अगर हम मैथमेटिक्स दे रहे हैं तो मैथमेटिक्स का आएगा, हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के दे रहे हैं तो इंग्लिश के आएंगे, या फिर केमिस्ट्री से दे रहे हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स से दे रहे हैं फिजिक्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब पार्ट बी में हम देखते हैं तो पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हमारे पास, और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 1 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड नहीं होती है। और फिर टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो 2 आवर्स होती है, जो टोटल टाइम है हमारे पास अवेलेबल टाइम जो होता है वो 2 आवर्स होता है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और आपके दिमाग में हो, क्वेश्चन जो कि आपके सॉल्व आपको प्रॉब्लम हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर किस तरह से होता है, या कोई और प्रॉब्लम हो, तो हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारे पास 9460689761, एंड मेरी मेल आई डी है HITSHMWN00155@gmail.com। फ्रेंड्स, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेल करिएगा, बट कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल होने से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, या वीडियो के कमेंट में आप प्रॉब्लम लिख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।